See ya. Production function and cost curves. Okay, now we will be doing what? Production function in short run and long run. Cost curves in short run and cost curves in long run. ये हाँ, और इनका लिंक क्या है ना, मेन चीज है कि इन प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट कर्व्स का लिंक क्या है. ओके, नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. प्रोडक्शन फंक्शन इज कन्वर्टिंग व्हाट? प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट्स होते हैं उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, और आउटपुट होता है उसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं. बट इनपुट्स खाली रॉ मटेरियल नहीं होता है ना, इनपुट्स होता है लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्राइज होती है. ये इनपुट्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, नाउ लिसन हियर. प्रोडक्शन के पहले प्रोडक्शन फंक्शन मींस रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट. फिजिकल पैसे की बात नहीं, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स इज रिलेटेड टू ओके फॉलो दिस नो वेरी गुड. हाँ तो अब है ना, हाँ इनपुट्स एंड आउटपुट्स है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. नाउ यस लेट अस सी. नाउ प्रोडक्शन फंक्शन हम इनपुट्स और आउटपुट के रिश्ता देखेंगे, क्या है रिश्ता. ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल हर जगह है. अगर तुम लोग लाइफ में अप्लाई करोगे ना तो पता चलेगा कि हर एक सेक्टर में हर एक चीज में जो बोला है ना रिटर्न्स होते हैं वैसा होता ही है लास्ट में. ओके, अब है ना क्या होता है कि इनपुट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर दे? वन इज फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स. एग्जाम्पल ऑफ फिक्स फैक्टर्स आर लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा. एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर रॉ मटेरियल, पावर, लेबर. दिस कैन बी इजीली चेंज्ड. इट इज चेंज requires more time. आ रहा समझ में? Fixed factors and variable factors easily change हो सकते हैं. Now there are time period होता है. Time period क्या होता है? There is short run, sorry, market period. Then short run period and then you have long run period. Now in long, short market period it is
we cannot change fixed factors, and we also cannot change वेरिएबल फैक्टर्स. हम लोग इतना समय शॉर्ट होता है कि हम लोग फिक्स फैक्टर्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट चेंज फिक्स फैक्टर्स बट वी कैन यूज एग्जिस्टिंग फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स. हम लोग जो अभी है ना, जैसे हमारी एक फैक्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल है, वर्कर है, मशीनें हैं और प्रीमाइसिस है, जगह है. तो हम लोग जो जगह है, जो लेबर है, उसी को यूज करने का बस. तो वी कैन यूज एग्जिस्टिंग, लेकिन चेंज नहीं कर सकते. लेबर बढ़ा नहीं सकते. लेबर है उसको यूज कर सकते. यू कैन यूज लेबर, यू कैन यूज मशीन, बट यू कैन नॉट इंक्रीज द मशीन, यू कैन नॉट इंक्रीज द लेबर, यू कैन इंक्रीज द पावर. जो है उसी से काम चलाओ. ओके, सो there will be production in market period, but no production function. क्यों? As we cannot see the relation between change in inputs and change in outputs. वो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम चेंज करेंगे तो होगा ना. मतलब हम ये चेंज करेंगे तो वो क्या हुआ? जैसे हम लोग रेगुलेटर होता है फैन का, वो चेंज करते हैं और फैन पे असर देखते हैं, तो ये रिलेशन हुआ. रेगुलेटर और फैन के बीच में रिलेशन हुआ कि नहीं? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेगुलेटर एंड फैन. लेकिन कब मालूम पड़ता रिलेशन? जब चेंज करोगे तो. चेंज करना ही अलाउड नहीं है तो कैसे रिलेशन मालूम पड़ेगा? हाँ, ये मालूम है कि प्रोडक्शन हो रहा है, बस इसको यूज करके प्रोडक्शन हो रहा है. तो वी कैनॉट सी द चेंज रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनपुट एंड चेंज इन आउटपुट, बिकॉज एस इनपुट्स कैनॉट बी चेंज. ओके, फॉलो दिस. तो ये मार्केट पीरियड में, तो मार्केट पीरियड में प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन नहीं होता है. देयर इज नो प्रोडक्शन फंक्शन. इन लॉन्ग पीरियड, इन शॉर्ट पीरियड, वी कैन चेंज फिक्स फैक्टर्स सच एज, नहीं, वी कैन चेंज वेरिएबल फैक्टर्स such as power, labor, quantity of raw material, but we cannot change fixed factors such as land, मशीनरी, बिल्डिंग. ओके, तो चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, फिक्स चेंज नहीं कर सकते हो आप. यू कैन नॉट चेंज फिक्स फैक्टर्स. ओके, फिक्स फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते. तो प्रोडक्शन क्या होगा बताओ ना यार? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स. ओके, हाँ, शॉर्ट पीरियड. लॉन्ग पीरियड क्या होता है? वी कैन चेंज वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज फिक्स फैक्टर. सब चेंज कर सकते हो. ओके, नाउ व्हेन वी चेंज ऑल फैक्टर्स,
we have changed scale. अगर हमने सब फैक्टर्स चेंज कर दिए तो हमने क्या चेंज किया है? We have changed the scale. We have changed the scale. आया समझ में? लिखना चाहोगे तुम लोग? याद कम से कम तुम लोग फोटो ले लो तो जल्दी हो जाएगा ना. हाँ, चेंज द स्केल मतलब क्या होता है कि देखो, अगर है ना, मैं एक है ना, अगर मैं एक हाथी बनाता हूं, नहीं सॉरी, एक मैं खरगोश बनाता हूं, खरगोश, और खाली उसकी पूंछ लंबी करता हूं, तो क्या हुआ? मैंने पूरा चेंज किया कि थोड़ा खाली एक पार्ट चेंज किया, उसको बढ़ाया, बाकी सब फिक्स रखा, उसकी खाली पूंछ खींच ली मैंने, बड़ी बना दी, तो क्या होगा? तो वो शॉर्ट रन हो गया. अगर मैं पूरे खरगोश का हर एक पार्ट के कान नाक सब लंबे कर देता हूं, उसके इतना बड़ा बना देता हूं, तो क्या होगा? तो मैंने स्केल ही चेंज कर दी. नहीं, क्या चेंज कर दी मैंने? अगर मैंने मशीन होल चेंज किया, हाँ होल चेंज किया, सब चेंज किया, तो उसको बोलते हैं स्केल चेंज हो गया. तो दैट इज चेंज ऑफ स्केल. आया समझ में? ये तुम लोग क्या ले लोगे, फोटो लोगे, लिखना चाहोगे? मैं ट्राई करूंगा पीडीएफ बना के भेज दूं, लेकिन फोटो ले लो, है ना. चलो फटाफट ले लो. हाँ, राइटिंग करो जैसे भी करना है. ओके, नाउ अब है ना, हम पहले पढ़ेंगे टाइम पीरियड, मालूम पड़ गया ना. अभी है ना, प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन. ओके, इन प्रोडक्ट इन शॉर्ट रन वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज, बट देयर शुड be at least one factor which is fixed. There should कम से कम एक factor तो fix होना चाहिए. Okay. In short run, variable factors can be changed, but there should be at least one fixed factors. Okay. If all are variable, then it is a long run. सब change हो सकता है, तो एक तो कम से कम एक तो fix दो. You have at least one fix here. है ना? Now क्या होगा? Suppose there is a piece of land, say 10 acres, 10 एकर की जमीन है, काफी बड़ी जमीन है, and only one laborer, एक ही आदमी है laborer. तो इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय चेंजिंग ओनली क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर ना. ओके,
खाली लेबर से ही होगा और क्या होगा, क्या करोगे तुम लोग? क्या लेबर से तुम लोग इंक्रीज करोगे और क्या? ओके नाउ नाउ व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे तो क्या होगा? द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर दैट इज इनपुट ना एंड आउटपुट इज एज अंडर. ओके फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शन rises at a faster rate as compared to change in input, that is variable factor. पहला है ना production rises, it means proportionate increase in output is more than proportionate change in output is more than proportionate change in input. मतलब समझा? मतलब output अगर input is doubled तो क्या होगा? आउटपुट विल बी मोर देन डबल. इनपुट डबल होगा ना तो आउटपुट उसे भी डबल हो जाएगा, उसे भी ज्यादा हो जाएगा फास्ट. पहला स्टेज में. सेकेंड स्टेज इज इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स. क्या? सेकेंड स्टेज इज दैट प्रोडक्शन राइजेस बट एट अ स्लोअर रेट एज कंपेयर टू इनपुट. और इनपुट क्या है? वेरिएबल फैक्टर. ओके और इट मीन्स स्लो चलेगा ना. फिर ना यार क्या होता है? फर्स्ट अगर हम टेबल ले लें, एक टेबल ले लें हम लोग, जैसे यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ये मेन चीज मार्जिनल प्रोडक्ट है. ओके अब नंबर ऑफ वर्कर्स है समझो 1, 2, 3, 4, 5
सात आठ नौ और दस, टोटल प्रोडक्ट सपोज है ना यहां पे 25 है, दूसरा 60 हो गया, फिर ना ये है ना क्या आ रहा है मार्जिनल, मतलब ये 50 है 25 है, ये एक्स्ट्रा कितना 35 आया, ये 39 आया और ये 49 आया मार्जिनल, है कि नहीं। अब इसके बाद पांचवे पे बहुत फास्ट बढ़ रहा है, देखो फटाफट बढ़ रहा है एकदम फास्ट है ना, पहले में 25 दूसरे में 35 39 49 बहुत फास्ट बढ़ रहा है। ओके अब है ना 148 डिवाइड बाय 4 इज 25 प्लस 12 37। ओके नाउ 37 इज वेरी गुड, here it will be 145 divided by 7 195, so this is 47 add kiya and then then now you can see here that okay 266
and here it will be 26. And here it will be 33. Okay, now here see here, this is the story here, and then you can proceed here. 8th unit you get 290 at 17, and then you get here 297, and you may have here 297, so your contribution is 0, and then 11 you may have 295 and minus 2 and so on. So these are the stages. Now see here, what is happening here? Here in this stage, first stage, you'll have your average product. Up to this point, this is first stage. क्या है? MP is increasing. बराबर? MP is increasing now. So TP, total product, is increasing at faster rate. फास्ट बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट, बहुत फास्ट बढ़ रहा है यहां तक. फिर एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, ये पहला स्टेज है. जैसे है ना, एवरेज कितना यहां पे 25 है, 60 डिवाइड बाय 2 30, 99 डिवाइड बाय 3 इज 33, 148 37, 39, वेरी गुड, 40, नाउ 40 एंड 273 डिवाइड बाय 7 इज 39 अगेन. टू नाइन्टी डिवाइड बाय 8 297 डिवाइड बाय दिस इज 30 एंड 333 अगेन. इट इज 290 divided by 8, 36.25 and so on. Okay, and then 297 divided by 10, 29.7, and then 295 divided by 11, whatever it is answer. Okay, now see here, अबे ना यहाँ पे क्या होता है, first stage में MP is rising, then second TP is increasing at a faster rate, फटाफट बढ़ रहा है. AP is rising, तो this is why it is why they are rising. हाँ, okay, इसका reason हम बाद में देते हैं. Okay,
सेकेंड स्टेज क्या होता है, यहां से सेकेंड स्टेज शुरू होती है, यहां तक फर्स्ट स्टेज है, ये एमपी बढ़ रहा है ना, वहां तक फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज, फिर एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, सेकेंड स्टेज, ये सेकेंड स्टेज यहां तक चलेगी, क्या है सेकेंड स्टेज, क्या है एमपी इज फॉलिंग, टीपी इज राइजिंग, टीपी अभी भी बढ़ रहा है बट एट अ स्लोअर रेट, एपी बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ऑफ एपी, बिहेवियर ऑफ एपी क्या है बता दो, सुनो अभी देखो ये एपी है ना, एपी का बिहेवियर देखो, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, सुनो ये क्या होता है कि ये एम ये गिरना शुरू हुआ, कौन यहां तक पांच यूनिट तक, देखो दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट है, मैंने बताया भी था तुमको, अभी एवरेज 39 है, एवरेज इज यहां तक फर्स्ट स्टेज है ना, एक्चुअली फर्स्ट स्टेज यहां तक है, फोर्थ यूनिट तक, अप टू फोर्थ यूनिट, इट विल बी डिफिकल्ट, रुको एक मिनट, हाँ वो मिस्टेक हो गई मेरी यहाँ पे, 1 2 3 4, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, फिफ्थ यूनिट से, सेकंड स्टेज पांचवे से शुरू हो रहा है, चौथे से नहीं, अभी देखो ये ना एमपी बढ़ रहा था, ये फर्स्ट स्टेज है, फिर एमपी कम होना शुरू हुआ, जब एमपी बढ़ रहा था तो एवरी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर, तो यहां पे क्या था, एपी भी बढ़ रहा था, एवरेज भी बढ़ रहा था, अभी ना एमपी यहां तक हम लोग पहुंचे ना, तो मार्जिनल 49 पे पहुंच गया था और एपी 37 पे पहुंच गया था, अबे ना यहां पर एमपी अब गिरने लगा, 49 हो गया, 47 हो गया, बट फिर भी क्या है देखो ये बढ़ रहा है, क्यों ये क्यों बढ़ रहा है, देखो मार्जिनल गिरा है, यहां से यहां गिरा है, बट इट इज स्टिल हायर देन द एवरेज, ये अब हमारा यहां तक का एवरेज क्या था, व्हाट वाज द एवरेज अप टू दिस पॉइंट, 37, तो जब तक हम लोग 37 से नीचे नहीं आएंगे ना, ये 49 था, अब ये ना ये कम हुआ, 49 से कम है लेकिन 37 से ज्यादा है, तो फिर एवरेज बढ़ेगा, अब यहां पे एवरेज 39 हो गया है ना, ये गिरा है और ये बढ़ा है, जस्ट सी द डिफरेंस, ये मार्जिनल इज फॉलिंग बट एवरेज इज राइजिंग, अगेन मार्जिनल यहां पे 39 एवरेज है, तो नेक्स्ट मार्जिनल 39 होगा तो एवरेज मेंटेन होगा, 39 के ऊपर होगा तो एवरेज बढ़ेगा, इट इज 45, अगेन मार्जिनल इज फॉलिंग बट एवरेज रिमेन्स, एवरेज इज राइजिंग, बिहेवियर ऑफ एपी क्या है, इफ एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो क्या होगा, एपी विल राइज, इफ एमपी इज लेस देन एपी तो क्या होगा, एपी विल फॉल, बोथ विल मीट एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी, बस इतना लिखने का, हाँ ये सेकंड बिहेवियर, ये सब पॉइंट लिखने, एमपी इज फॉलिंग, टीपी इज राइजिंग, ओके बिहेवियर ऑफ एपी, इफ एमपी इज मोर देन
AP, MP will, AP will rise. If MP is less than, both will meet at maximum point of AP. अबे ना यहां पे क्या हुआ, ये भी सेकंड स्टेज में गिन लो आप. ओके, देन दिस इज थर्ड स्टेज. MP becomes negative. TP starts falling. AP is also falling. Follow this. तो ये पूरा शॉर्ट रन का प्रोडक्शन हो गया पूरा. अभी क्या करोगे, लिखना चाहोगे कि बोलो बच्चों. लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ ओके, फॉलो दिस. बहुत बढ़िया हो गया. अभी ना फर्स्ट स्टेज क्यों होती है, वाई फर्स्ट स्टेज, रीजंस. फर्स्ट स्टेज MP is rising means every unit, additional unit of variable input is कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, बाय सी, फर्स्ट इज फिक्स फैक्टर इज प्रॉपरली एंड इंटेंसली यूज्ड. देखो अगर है ना, मैंने बताया एक बहुत 5 एकड़ की जमीन है और एक ही आदमी है, तो एक आदमी क्या करेगा. लेकिन अगर हम 2 आदमी लगाएंगे, 3 आदमी लगाएंगे, तो क्या होगा, वो फिक्स फैक्टर्स जो जमीन नहीं यूज हो रही थी वो भी यूज होगी, है ना. इंक्रीज इन लेबर विल लीड टू स्पेशलाइजेशन. ओके, कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू प्रोडक्शन. तो एक तो स्पेशलाइजेशन होगा और वेरिएबल तो बढ़ ही रहा है यार, वेरिएबल बढ़ रहा है तो वेरिएबल फिक्स अच्छी तरह यूज हो रहा है ना. जैसे सपोज एक बहुत बड़ा तवा है, तवा मालूम है, चपाती बनाते उस पर, बहुत बड़ा तवा, ऐसा गोल बड़ा, लेकिन आदमी काम करने वाला एक ही है, तो वो हाँ आटा भी लेके आता है, आटा गूंथता भी है, रोटियां भी बेलता है, और फिर रोटियां बनाता है और सर्व भी करता है, 5 काम वही करता है. तो क्या जो फिक्स फैक्टर तवा है, तवा जिसमें रोटी सेक रहे हैं, वो क्या यूज होगा पूरा, नहीं होगा, है ना. वो आदमी कहां वहां जाएगा तो तवा खाली रहेगा. तो 2 आदमी लेके आए कि भाई तू ये काम किया कर, तू बाहर का काम तू क्या कर, आटा तू लेके आया कर और गूंद तू दिया कर, और मैं सिर्फ रोटियां बेलूंगा और सेकूंगा, और तीसरे को बोला कि तू बांट के भी तू आना. तो क्या होगा, अब अगर ज्यादा आदमी हो जाएंगे तो फिक्स फैक्टर जो तवा होगा ना, फुल तवा, वो ज्यादा अच्छी तरह यूज होगा ना, इंटेंसली यूज होगा, तो ज्यादा रोटियां बनेगी ना. हाँ, मतलब दोनों कॉन्ट्रीब्यूट, एक तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा लेबर में, याद रखना एग्जाम्पल ये, देयर विल बी स्पेशलाइजेशन इन लेबर एंड फिक्स फैक्टर विल बी प्रॉपरली यूज. ओके, हाँ. सेकेंड स्टेज क्या होता है,
MP starts falling. A stage comes as we go on increasing. Variable factor. A stage comes where क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आती है where fixed factor is almost, not fully but is almost fully used and contributes very less to production. Okay, और production is increased only due to variable factor. वेरिएबल फैक्टर की वजह से इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, इज इंक्रीज ओनली ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर. ओके, वेरिएबल फैक्टर की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना. नाउ इट इज ड्यू टू फैक्टर इम्परफेक्ट इन फैक्टर इन फैक्टर इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. मतलब क्या बताना, सुनो उसका मतलब क्या होता है. देखो उसका मतलब ये होता है कि देखो हमको है ना प्रोडक्शन के लिए फिक्स भी चाहिए और वेरिएबल भी चाहिए, दोनों चाहिए. अब ये ना स्टार्टिंग में फिक्स बहुत था, वेरिएबल इतना सा था. हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो फिक्स भी अच्छी तरह यूज हो रहा था और वेरिएबल भी तो आ ही रहा था, वेरिएबल तो ज्यादा आ रहा था और फिक्स भी ज्यादा नहीं हो रहा था लेकिन ज्यादा अच्छी तरह से यूज हो रहा था, मतलब उसका भी योगदान था. फिर फिक्स एकदम थोड़ा योगदान या ना के बराबर आने लगा क्योंकि फिक्स पूरा यूज होने लगा, ऑलमोस्ट पूरा, थोड़ा थोड़ा आने लगा हल्का सा एंड वेरिएबल बढ़ाते गए. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पे फिक्स चाहिए वहां पे वेरिएबल का काम चला रहे. फिक्स आ नहीं रहा है, हम वेरिएबल से पुश कर रहे हैं. सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वेरिएबल फैक्टर फॉर फिक्स. लेकिन एक हद तक जाएगा ना, एक लिमिट तक उसको फिक्स कर सकते हैं. वेरिएबल कैन बी अ सब्स्टिट्यूट ओनली अप टू अ लिमिट. हम फिक्स की जगह वेरिएबल ज्यादा घुस जाएंगे तो क्या होगा, एक लिमिट तक करेंगे. जैसे ना हमारे पास सपोज एक एक है ना हमारे पास एक एक मशीन है समझो, हाँ एक ही मशीन है और हमको रोड बनाना है तो हमारे पास एक ही वर्कर है, एक ही आदमी है तो क्या रोड बनाएगा वो मशीन से. सपोज एक मशीन है उसे डामर वगैरह बनाते और डालते हैं, एक ही बंदा है हमारे पास तो हम लोग क्या करते हैं ज्यादा ज्यादा लेके आते हैं तो मशीन अच्छी तरह यूज होती है और ज्यादा अच्छी तरह मशीन यूज होती है तो रोड ज्यादा बनता है. फिर हमारी मशीन पूरी यूज हो गई, थोड़ा थोड़ा ज्यादा यूज होती है, मतलब थोड़ी बची है अभी, मतलब मशीन है लेकिन उसका पूरा यूज हो गया, फ्री नहीं होती मशीन, कभी कभी फ्री होती खाली. तो हम लोग वेरिएबल डालते हैं, वेरिएबल लेबर बढ़ाते आते, लेबर बढ़ाते आते तो हम लोग क्या कर रहे हैं मशीन की जगह ज्यादा लेबर लगा रहे हैं. लेकिन कब तक लगाओगे, एक लिमिट तक ना. तो उसको सब्स्टिट्यूशन करना बोलते, तो क्या है उसको बोलते इनपरफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. ओके, विच कॉजेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन स्टेज टू. फिर क्या होता है थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या होता है, व्हेन फिक्स फैक्टर्स सॉरी वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड बियॉन्ड लिमिट तो क्या होगा, बियॉन्ड लिमिट करेंगे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, इट क्रिएट्स कंजेशन. ओके, एंड
production starts declining, MP becomes negative. समझा ये स्टोरी, तीनों स्टेज के कारण है ना, ये क्यों होता है ये? हाँ ये समझा स्टोरी, ये पूरा कॉपी क्या नहीं है? हाँ अब है ना, इसके बाद आगे चलूंगा मैं, लॉन्ग रन में क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या होता है, इन लॉन्ग रन वी कैन चेंज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Okay, that is all factors are variable. So when we change all factors, we change scale. So the production function in long run is called as law of returns to scale. क्या बोलते हैं law of returns to scale? अभी क्या होता है, scale change करेंगे. Now ये क्या होता है, इसमें when we increase the size, we enjoy certain advantages called as economies of scale. We also suffer certain disadvantages also called as diseconomies of scale. मतलब हम लोग अगर साइज बढ़ाते हैं ना कोई भी चीज की, तो एडवांटेजेस भी होता है और डिसएडवांटेजेस भी होता है. मतलब एडवांटेज क्या होता है, चीप रॉ मटेरियल, है ना, स्किल्ड लेबर, सब अच्छे अच्छे इंजीनियर हमारे वहां के काम करेंगे ना, बड़ी बड़ा करेंगे तो, है ना, स्किल्ड लेबर. ओके, देन लो पावर कॉस्ट पर यूनिट, इजी टू मार्केट प्रोडक्ट, ये होता है एडवांटेज होता है हमको. ओके फॉलो दिस. डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर हम साइज बढ़ाते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है कि सुपरविजन प्रॉब्लम, मैनेजिंग प्रॉब्लम, फिर है ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब अलग अलग तो सबको साथ में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना मतलब. तो क्या होता है, इन लॉन्ग रन पीरियड,
in long run production function, we compare change in inputs. अब इसमें fixed variable कुछ नहीं with change in output. Accordingly, we have three stages. इसमें तीन stages होती है, इसमें भी और तीनों stages में बता देता हूं. क्या होता है स्टेज वन, क्या होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज मोर देन तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स. क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर ग्रेटर देन इकोनॉमीज ऑफ डिस इकोनॉमीज. सेकेंड स्टेज क्या होती है? प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट. तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न्स. Advantages are equal to what? Just a minute. And third, proportionate change in output is less than इसमें नेगेटिव नहीं होता है. प्रपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट स्लो बढ़ता है, ये इक्वल है, ये मोर है, आउटपुट हायर है, आउटपुट इक्वल है और ये आउटपुट लोअर है तो स्लो बढ़ता है. इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग रिटर्न से मत बोलना, डिक्रीजिंग रिटर्न का यहां क्या है? एडवांटेजेस आर लेस देन, समझाइए पक्का ये लॉन्ग रन है. ओके अब इसके डायग्राम होते हैं. जैसे ना शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन है ना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का डायग्राम में बताया तो कैसे होगा, और लॉन्ग रन के फिर तीन डायग्राम होते हैं. शॉर्ट रन के एक ही डायग्राम में तीनों रिटर्न आए. आज उन्होंने बताएंगे हाँ
सुनो यहाँ पे, जैसे ना शॉर्ट रन में ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेज एमपी राइज हो रहा है तो टोटल भी राइज हो रहा है। और एवरेज भी राइज हो रहा है, ये टीपी, ये एमपी, ये एपी। तीनों राइज हो रहे हैं फर्स्ट स्टेज में। ओके, फिर क्या होता है कि एमपी फॉल करना शुरू करता है तो टीपी तो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि आगे बढ़ेगा लेकिन स्लो हो जाएगा, ये कर्व फ्लैट की तरफ फ्लैट हो जाएगा। और ये एपी बढ़ेगा, क्योंकि एपी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक एमपी उसके ऊपर है। एक मिनट, ये यहां से ये ऐसे नीचे आने लगा एपी, फिर ये एमपी भी नीचे आने लगा, लेकिन ये बढ़ता रहा। अब एमपी फटाफट नीचे आ गया, ऐसा आ गया, हाँ, और ये एमपी पहुंच गया जीरो पे, ये सेकंड स्टेज हो गया। और फिर ये नीचे आने लगा, ये एमपी नेगेटिव पे निकल गया। तो ये क्या है, एमपी इज राइजिंग फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है ये यहां तक। और वो हमने स्टोरी जो लिखी कि एमपी इज राइजिंग टीपी इज राइजिंग हमने लिखा था ना वही, एंड एपी इज राइजिंग वही चीजें लिखी है, तो डायग्राम है इसका। ओके, नाउ एमपी व्हेन MP is greater than AP, so AP rises. When MP is less than AP, AP falls. देखो ये MP से ये नीचे आ गया ना, तो ये AP भी गिरने लगा। अब यहां से बात, ये हाईएस्ट पॉइंट पे मीट हुआ, एपी मीट्स एमपी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एपी। ये सब लिखा हुआ है हमने, पहले डायग्राम में बता रहे, ओके, पहले लिखा हुआ है हमने। तो ये था शॉर्ट रन का, समझे, डायग्राम एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन ये यहां पे ऐसा ऐसा जाना चाहिए। ये गिरना शुरू होना चाहिए। ओके, फॉलो दिस। हाँ, और अब है ना लॉन्ग रन में क्या होता है, क्या होता है, पहले प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, दैट इज डेल्टा ओ अपॉन ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा आई, आई मतलब इनपुट अपॉन आई,
तो ये ऐसा होगा, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट एपी भी बढ़ेगा और एमपी भी बढ़ेगा, देन कॉन्स्टेंट रिटर्न्स। क्या होगा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट। तो ये ऐसा रहेगा। और लास्ट वाला क्या रहेगा? नहीं, यहां पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या ये वो शॉर्ट रन में इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पे नहीं, यहां पे तीनों अलग अलग बटन है। और तीसरा क्या होता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट, दैट इज डेल्टा ओ अपॉन ओ इज लेस देन डेल्टा आई अपॉन आई। तो यहां पे ऐसा होगा एमपी और एपी बोथ फॉल, एपी एंड एमपी फॉल, लेकिन नेगेटिव। और टीपी ऑलवेज, टीपी है ही नहीं, ऑलवेज राइजेस, नो नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होता है, एमपी इज नेवर नेगेटिव, कम होता है पर नेगेटिव नहीं होता है। फॉलो दिस, यस और नो? नहीं, एपी ऊपर रहता है, एपी राइज भी स्लो होता है, फॉल भी स्लो होता है, एमपी फटाफट गिरता है और फटाफट जब जब जाते हैं ऊपर तो एमपी ऊपर होता है, और जब आते हैं तो एमपी फटाफट नीचे गिरता है, और एपी उसके नहीं, एपी हमेशा ऊपर रहेगा उसके। अब है ना, हाँ ये हो गया। तो हाँ, अब इसके बाद ये हो गया, अभी कॉस्ट कर्व्स क्या है? हाँ, अभी है ना, कॉस्ट कर्व्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉस्ट कर्व्स? कॉस्ट कर्व्स क्या होते हैं? कॉस्ट मीन्स मनी वैल्यू ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। कॉस्ट एनालिसिस में वी कंपेयर चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन कॉस्ट।
जैसे क्या होता है, हम लोग है ना इनपुट होता है, अभी सुन लो क्या मस्त है ये, या ये मेन कनेक्टिंग लिंक है दोनों चैप्टर का, प्लीज बहुत ही जबरदस्त ये लिंक ध्यान में रखना पड़ता है, लिख नहीं पाएंगे घड़ी घड़ी। इनपुट और आउटपुट का हमने रिलेशन देखा, अभी इनपुट से ना ये फिजिकल होता है, फिजिकल मतलब ये क्वांटिटी में होता है। अब है ना हम लोग इसको, इसकी मनी वैल्यू ऑफ इनपुट होती है ना, मतलब मनी वैल्यू ऑफ इनपुट होती है ना जो, तो उसको हम कॉस्ट बोलते हैं इन रुपीस। हाँ, इसको मनी वैल्यू, तो ये है तो इनपुट की वैल्यू लेकिन रुपीस में है, समझा? ये भी इनपुट और आउटपुट का है लेकिन इनपुट की जगह अब इसको हम निकाल देंगे, अब इसकी मनी वैल्यू आ गई तो इसको हम निकाल देते हैं, इसको निकाल दिया तो क्या बना, आउटपुट एंड मनी वैल्यू ऑफ इनपुट, वो कॉस्ट हो गया है, वो भी इनपुट, कॉस्ट भी इनपुट है रुपीस में खाली बस। अब है ना कॉस्ट कर्व्स इन शॉर्ट रन, कॉस्ट इन शॉर्ट रन, फर्स्ट होता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज कॉस्ट ऑन फिक्स फैक्टर्स विच रिमेन्स अनचेंज, विच चेंज इन आउटपुट, एग्जाम्पल रेंट, रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट ना, अब तुम बनाओ या मत बनाओ भाड़ा तो उतने लगेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का इंटरेस्ट उधार लिया है उसका तो कुछ भी बनाओ कि मत बनाओ आप, आपको सेम पैसा लगेगा, ओके तो ये फिक्स कॉस्ट होता है, ओके अब ये फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे होता है, फिक्स कॉस्ट कर्व ऐसे होता है, मैं इसमें बनाया था फटाफट, ये ऐसा होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट का ऐसे होता है, ये है आउटपुट और ये है कॉस्ट। तो कुछ भी करो, एक बनाओ सपोज ये 60 रुपीज है, तो ये एक बनाएंगे तो भी 60 होगा, दो बनाएंगे तो भी 60, तीन बनाएंगे 60, चार बनाएंगे 60, ये फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। फॉलो दिस, सेकेंड होती है वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, दिस कॉस्ट राइजेज और फॉल्स विथ अ चेंज इन, विथ अ राइज और फॉल इन आउटपुट,
okay, example of variable cost is say cost of raw material, cost of labor, पावर। अब है ना ये वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, जो वो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो राइज एंड फॉल होती है एज वी इंक्रीज प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, आगे वर्ड टोटल डाल देते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेस बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन। जैसे क्या होता है, इन द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग में क्या होता है, व्हेन ना वेरिएबल कॉस्ट इन इनिशियल, ए वेरिएबल प्रोपोर्शन से तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने प्रोडक्शन फंक्शन किया था ना, उसमें आउटपुट पहले फास्ट बढ़ता था, शॉर्ट रन में आउटपुट फास्ट बढ़ता था, इनपुट स्लो बढ़ता था। तो यहां पे इन इनिशियल स्टेज व्हाट प्रोपोर्शनेट चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट। मतलब आउटपुट फास्ट बढ़ता है और वेरिएबल कॉस्ट स्लो बढ़ती है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन शॉर्ट रन। मालूम है ना शॉर्ट रन में इंक्रीजिंग रिटर्न होते थे। देखो मैं बता दू यहां पे क्या, सुनो है ना, ये इनपुट्स है, ये आउटपुट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये एकदम अच्छी तरह समझो वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में क्या रूल था कि आउटपुट फास्ट बढ़ता है फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में टीपी राइजेस एट अ फास्टर रेट, टीपी बहुत फास्ट बढ़ता है इनपुट के कंपैरिजन में, है ना, एक का 25, दो का 60, तीन का 99, चार का 148, ऐसा सब था कि नहीं, तो कौन फास्ट बढ़ रहा था आउटपुट। अब हम लोग वही बोल रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट स्लो बढ़ रही है, हम बोल रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट स्लो बढ़ रही है स्टार्टिंग में, और वेरिएबल कॉस्ट नथिंग बट इनपुट सी है। हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में फर्स्ट स्टेज में हम क्या लिखते हैं, आउटपुट राइजेस एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर्ड टू इनपुट, उसी को हम ऐसे लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इनपुट को रिप्रेजेंट करती है, इन वेरिएबल कॉस्ट राइजेस एट अ स्लोअर रेट एज कंपेयर्ड टू आउटपुट। बराबर है, आउटपुट फास्ट बढ़ रहा है यहां पर भी और क्या। अब हमने लिखने का तरीका छोड़ दिया खाली थोड़ा, अब पहले बोला हम लोग ने आउटपुट बहुत फास्ट बढ़ रहा है इनपुट की जगह, इनपुट के कंपेरिजन में। अब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं कॉस्ट स्लो बढ़ रही है, कॉस्ट इज राइजिंग स्लोली, वही बात है इनपुट था राइजिंग स्लोली और क्या, बात तो वही। फिर लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन वेरिएबल कॉस्ट राइजेज एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू टू चेंज इन आउटपुट, फिर बहुत फास्ट बढ़ती है।
ये होती है स्टेज, ये होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फॉलो दिस, ये बहुत अच्छी बात है, लिख दो पूरा कॉस्ट कर्व यहां पे, ये पूरा गेम। हाँ, ये 2, 4, 5 घंटे में ऑब्जेक्टिव तुम लोग को फुल मार्क्स कर सकते हैं इको में, यस। हाँ, बाकी दिन भर तुम लोग मैथ वेस्ट करो फिर। अब है ना, इसके बाद क्या होगा कि हाँ ये स्लो बढ़ता है, इसका कर्व कैसे होगा, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ये ना पहले फास्ट, सॉरी प्रोडक्शन बना लिया मैंने, स्लो बढ़ रही, देखो स्लो स्लो बढ़ रही, फिर ये स्पीड बढ़ेगी फास्ट। ओके, यहां इसको एफ बना सकते हैं, एकदम पास बनने लगी फिर। ये कवर ओवर रहेगा, ये बढ़िया रहेगा ऐसे, इसमें कट नहीं है ना। ओके, तो ये ना लेटर ऑन वेरिएबल कॉस्ट राइजिंग एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू चेंज इन आउटपुट, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया ना, मतलब यहां पे इनपुट फास्ट हो रहा है आउटपुट स्लो हो रहा है, इसका मतलब हाँ वही सेकंड स्टेज आ गया। थर्ड स्टेज में तो नेगेटिव रिटर्न्स कोई होता ही नहीं यार, वो तो थ्योरेटिकल है, नेगेटिव स्टेज में कोई जाता ही नहीं है ना, वो तो सबको मालूम है कि मूर्खता है वहां पर जाना। अभी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है बच्चों, टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, क्यों चेंज होगी, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है ना यार, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, तो जो भी चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होता है, क्योंकि ये तो फिक्स ही है ना, ये तो हमेशा फिक्स ही रहता है। ये लिख दो टोटल कॉस्ट। ओके, तो इनका स्लोप होता ना किसका, स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड स्लोप ऑफ सेम। हाँ, ये लिख दो,
विद्या अब ये तीन कवों का मैं डायग्राम बताया था तुम लोगों को। ना ये देखो ये ना टी एफ सी और ये जैसे अंदर से फास्ट होते हैं ना ये टी वी सी और ये ना टोटल टोटल कॉस्ट यहां से शुरू होगी और ये सेम ऐसी जाएगी ये आउटपुट और ये कॉस्ट और इनके जो डिफरेंस है ना डिफरेंस है ये जो डिफरेंस है इनमें वो है डिस्टेंस बिटवीन टी एफ सी सॉरी टी सी एंड टी वी सी इस फॉलो दिस तो ये तीन कव हो गए। अब हाँ अब है ना मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट नहीं पहले हम लोग लेते हैं एवरेज फिक्स ये चौथा वाला लेते हैं सात है टोटल आई होप विल फिनिश टुडे ऑल सेवन एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट ओके ना ये है ना क्या होता है रिमेन्स कॉन्स्टेंट से रुपीज 600 सपोज एंड एज आउटपुट इंक्रीजेस तो क्या होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइंस जैसे आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट हा एक दो तीन चार पांच ये छह अब यहां पे क्या है ये 600 है ये हमेशा ही 600 है ये 600 ही है ये 600 इसलिए लिया क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 सबसे डिविजिबल है समझा ऐसे ही 600 नहीं लिया मैंने सबसे डिविजिबल है ना तो अब ये ना क्या होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी ना क्या होती जाएगी यहां 600 रहेगी यहां 300 हो जाएगी डिवाइड करो 3 से डिवाइड करेंगे तो 200 हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 150 100
forward this. हाँ, अब इसका कर्व कैसे बनेगा? ओके, बट एएफसी विल डिक्लाइन कंटिन्यूअसली बट विल नेवर बिकम जीरो. जीरो नहीं होगा, न्यूमरेटर तो रहेगा ना. 500 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, 1.000 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा. नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा कभी. समझा? तो चार कर्व कर लिए तुम लोगों ने साथ में से. एक्चुअली कॉस्ट कर्व और रिप्रोडक्शन फंक्शन साथ में करते हैं ना, तो अच्छी तरह समझ में आता है. हाँ, तो है ना, अब इसके कर्व ऐसा होगा. एएफसी लेकिन ये जीरो नहीं होगा कभी भी, ऐसे जाएगा. जीरो के नजदीक पहुंचेगा, जीरो टच नहीं होगा कभी. एनीवे, इतना दूर तक हम क्यों जाए ना. फॉलो दिस. ये चार कब हो गए? वेरी गुड. अब है ना, हाँ हाँ, अब आ जाओ क्या फॉरवर्ड ना. यस, खाली तो बताओ फॉरवर्ड की नहीं बस, और क्या इसके बाद. अब है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज रुपीज 275 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स इज रुपीज 295. 5 यूनिट 275 बनते और 6 यूनिट 295 बनते. देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट इज रुपीज 20. 20 रुपया है, 20 रुपये एक्स्ट्रा यूनिट बनते हैं. 20 रुपये और करोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा. एक्स्ट्रा यूनिट का खर्चा कितना आता है? जैसे अगर मैं यहां लूं से प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट जीरो है तो टोटल कॉस्ट 50-60 रुपया है, ये तो फिक्स कॉस्ट हुई. एक है तो 90 रुपया है, दो है तो 115 है, तीन है तो 135 है. समझे? ऐसे मैंने बताया. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? पहले की तो मार्जिनल कॉस्ट लेने की नहीं है ना, मार्जिनल जीरो की तो लेने की नहीं. तो एक तो बनाओगे तो इसमें कितना खर्चा एक्स्ट्रा हुआ? 30 रुपया. इधर कितना खर्चा एक्स्ट्रा हुआ? 25 रुपया. और इधर कितना हुआ? 20 रुपया. फॉलो दिस. नाउ मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर इन द इनिशियल स्टेज, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स. क्यों फॉल होते? कम होते जाते. एवरी एडिशनल यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड
एट अ लोअर कॉस्ट. क्यों? ये भी क्योंकि ड्यू टू, ये शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग रिटर्न. अरे यार हर एक चीज सस्ता पड़ेगा, इतना भाव थोड़ी बढ़ेगा. ये डबल करेंगे तो डबल थोड़ी हो जाएगा यार, थोड़ा स्लो बढ़ रही है कॉस्ट तो. इनपुट स्लो बढ़ रहे हैं, इनपुट स्लो बढ़ रहे हैं ना. हाँ तो कॉस्ट भी स्लो बढ़ रही है. इनपुट और कॉस्ट एक ही बात है, कनेक्ट करो दोनों को. बस इनपुट की जगह हम रुपीज लेके आते हैं. है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ओके ओके, लेटर ऑन मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग. कॉस्ट फास्ट बढ़ रही है, आउटपुट स्लो बढ़ रहा है. दैट इज एवरी एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड एट अ हायर कॉस्ट. तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये क्या हुआ भाई, डिमिनिशिंग रिटर्न. अब तो महंगा आ रहा है सब, पहले तो सस्ता आ रहा था, हर चीज सस्ती आ रही थी और सस्ती होती जा रही थी, अब महंगा होना शुरू हुआ, फिर हर नई चीज महंगी 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 होती जा रही है. ओके मतलब क्या है ये है ना, एवरी एडिशनल यूनिट लोअर कॉस्ट. तो क्या हुआ है, ये टोटल कॉस्ट इज राइजिंग एट अ स्लोअर रेट. और ये भी क्या है, यहां पे टोटल कॉस्ट इज राइजिंग एट अ फास्टर रेट. आया समझ में? अरे हाँ तो बोलो. सी इसका कहो कैसे होगा, ये ऐसा होगा, पहले नीचे आएगा और फिर ही ऊपर जाएगा. एक्चुअली इसका कर्व ऐसे बनेगा, हॉकी स्टिक की तरह बना, ऐसा. ये होता है मार्जिनल कॉस्ट. हाँ पहले कम बढ़ रहा है, यहां तक होता है ना, ये इसको बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स. कॉस्ट. और ये है ना, ये होता है इसके बाद सेकंड स्टेज, आई बात समझ में? बना लो फॉल्स फिर राइजेस. अभी तुम लोगों ने पांच कर दिए, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. अब दो चीजें बाकी है खाली, क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है बताओ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट. ना ये ना, अभी आउटपुट और इसका क्या रिश्ता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, इन द इनिशियल स्टेज टोटल कॉस्ट राइजेस एट अ स्लोअर रेट एज कंपेयर्ड टू आउटपुट. टोटल कॉस्ट स्लो बढ़ती है, आउटपुट फास्ट बढ़ता है ना. आउटपुट राइजेस, आउटपुट फास्ट बढ़ता है, फायदा होता है बहुत. तो क्या होगा,
इस केस में क्या होगा, एवीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्लाइन इन द लेटर स्टेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यहां पे, आई बेग यू पार्डन, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेस एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर्ड टू आउटपुट, मतलब आउटपुट राइजेस एट स्लोअर रेट, ये हम प्रोडक्शन फंक्शन में बोलते थे, जो ब्रैकेट में लिखा है ना वो प्रोडक्शन फंक्शन में बोलते थे। ओके तो क्या होगा यहां पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये कॉस्ट न्यूमरेटर फटाफट बढ़ रहा है, विल राइज, फॉलो दिस, लिख रहे हो मतलब कॉपी कर रहे हो तुम लोग, कुछ कर रहे हो ना, मतलब ऐसे मैंने सेव कर रहा हूं तो शायद पीडीएफ भेज दूंगा मैं तुम लोग को। एक्चुअली है ना हम लोग कोई भी, अभी तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव्स था, लॉ भी तुम लोग को मैं लिख लिख के कराया लास्ट में, हम लोग आईपीसीसी में भी लिख लिख के करने वाले, मतलब लिखते जाने का, खुद का नोट्स तभी कंसेप्ट बना के लिखते आने का, नोट्स समझते भी जाने का और लिखते भी जाने का, और फिर अपना एक बार अंदर से बाहर आ गया लिख के तो फिर खत्म, अपने हो गया, फिर बाद में रिवाइज करने का और क्या, हाँ बस ऐसे नोट्स के बीच में मतलब वर्कबुक चालू, हाँ स्टार्टिंग से मेंटेन करना है, कुछ नहीं, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव डाल दूंगा, पहले के जो किए ना 7 आवर्स में तुम लोग का एक दिन में इको के सब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, हाँ उसमें मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, पहले झूना है रिकॉर्डिंग, लेकिन तुम लोग आराम से समझ में आएगा तुम लोगों को। अब इसका कर्व कैसे होगा, इसका कर्व ऐसे होगा, ये ना एवीसी, ओके आउटपुट एंड कॉस्ट, ओके अब लास्ट है इसका कर्व शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन हम लोग कल करेंगे, क्या है टोटल, सॉरी एवरेज कॉस्ट, या इसको बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। अब है ना इसकी फॉर्मूले को क्या मस्त है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट टू टोटल एवरेज है ना, डिवाइड बाय आउटपुट, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू टोटल, सॉरी टोटल, हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। अब ये क्या होगा, मतलब ये हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट
प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज ये हुआ, क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज। अब ये तो फॉल होता है, इनिशियल फर्स्ट स्टेज में दोनों फॉल होते हैं, तो फिर ये भी फॉल होता है ना। फिर ये होता है, फॉल होता है, ये तो सॉरी ये तो हमेशा ही फॉल होता है फर्स्ट स्टेज, ये फॉल होता है और फिर ये राइज होता है ना, तो भी और फिर ये फॉल होता है और फिर ये राइज होता है, वापस ये भी राइज ही होता है। तो क्या होगा यहां पे, एवीसी विल राइज लास्ट में, यहां पर क्या होगा, सॉरी एसी, एसी एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों फॉल होंगे तो ये फॉल होगा और फिर दोनों एक फॉल, ये तो फॉल ही होते रहते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फॉल होता है, फिर ये राइज होना शुरू होता है, तो फिर एक टाइम आएगा जब एवीसी विल आल्सो राइज। ओके फॉलो दिस। सो ये ऐसा, ऐसा 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 करके ये जाएगा कैसा, ये ऐसे थोड़ा ऊपर होगा ना, ये ना ए सी है, ये ए बी सी है और ये एम सी है, एकदम परफेक्ट नहीं डायग्राम ये, एक्चुअली ऐसा होना नहीं, बता कैसे करने का, पहले एम सी बनाने का, फिर ये इसको ऐसे लेने का, हाँ ये बराबर है, ये परफेक्ट डायग्राम है। ओके तीन कर्व इसमें आ गए, फिर एक कर्व मैंने बताया, ये किसका कर्व है, ए एफ सी, ये चौथा कर्व हो गया, हाँ बराबर ना, और एक मैंने बताया ये वाला, ये टी एफ सी, ये ऐसा जाता है ये टी बी सी और ये ऐसा जाता है ये टी सी, इसमें भी तीन कब हो गए, हाँ ये तीन कब हो गए, सात कब हो गए, खत्म। लेकिन इसका कनेक्शन प्रोडक्शन फंक्शन से, इसीलिए एक ही दिन में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है। ओके अब हम लोग रिलेशन बिटवीन इन तीनों का, इन तीनों का रिलेशन है ना, इसको इसको, इन तीनों के रिलेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे, है ना, हाँ, और इसे कॉस्ट कर्व के टेबल बनते हैं, इससे और कुछ नहीं है। फॉलो दिस, ठीक है, हाँ तो कल भी करेंगे हम लोग, हाँ रिवीजन लेक्चर यूजफुल होते हैं, मैं तो मैथ्स का भी लेना चाहता हूँ थोड़े टॉपिक का, बहुत देर से पढ़ाया नहीं है, लेकिन तुम लोग बोलोगे सर सब जगह घुस रहे, सर कोई शर्म नहीं है कुछ, एक पैसे की